बीच खेले गए पहले वनडे मैच में धोनी ने शानदार 79 रन की पारी खेली। धोनी ने अपनी इस पारी में 2 छक्के और 4 चौके लगाए। धोनी की इसी पारी की बदौलत ही टीम इंडिया ने अच्छा स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को मात दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैच में धोनी के बल्ले से पहला चौका 67 बॉल बाद निकला। धोनी शुरुआत में सिर्फ सिंगल या फिर डबल ही लेते रहे और अपनी इनिंग बिल्ड की। धोनी के इसी अंदाज के अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ भी मुरीद हो गए हैं। मैच के बाद हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कप्तान स्मिथ ने धोनी की खुलकर तारीफ की। स्मिथ ने कहा कि धोनी जैसा अनुभवी बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहा था वो कमाल का था। सबसे बड़ी बात यह है कि धोनी ने उसी शांति के साथ हार्दिक पांड्या को भी खेलने के लिए कहा, जो इंडिया के लिए अच्छा रहा लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। स्मिथ ने कहा कि धोनी की पारी ने हार और जीत का अंतर पैदा कर दिया और यहीं से मैच इंडिया के पक्ष में चला गया। आपको बता दें कि टीम इंडिया के 87 रन पर टॉप 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और इसके बाद धोनी और हार्दिक पांड्या के कमाल से ही भारतीय टीम को जीत नसीब हो पाई। अब पूरी दुनिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ भी धोनी के मुरीद हो गए हैं। प्ले मीडिया रिपोर्ट।